नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है गणित विषय के वीडियो में। ये प्रतिशतता का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने आपको प्रतिशतता में 4 पार्ट दिए थे और ये एससीईआरटी की किताबों पे बेस्ड प्रश्नोत्तरी है, जो एससीईआरटी की किताबों में क्वेश्चन दिए गए हैं गणित के किताब में, उसी को मैं यहाँ करा रहा हूँ। आप एक बार देख लें, क्वेश्चन को नोट कर लें और आप तब तक हल कर सकते हैं वीडियो रोक करके, और इसके बाद मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले है, मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे, यदि 20% सेब खराब निकले तो कितने सेब अच्छे निकले। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तीसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे, 2 प्रत्याशियों में से एक को डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, यदि कुल 80% मत डाले गए तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये है, एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला और शेष भाग पीला है, तो पीले भाग की लंबाई याद करना है। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में एवं 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 35% छात्र विज्ञान में एवं 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये प्रश्न है, इनको आप कर लीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग के सवाल बहुत इजी है, मैंने इस टाइप के सवाल करा दिए हैं। ये आपके एग्ज़ाम का लेवल है, UPTET में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये SRT बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन पे अपनी पकड़ बनाइए, बहुत आसान है। तो चलिए पहला लगाते हैं, 90 सेब खरीदे उसने और 90 में से 20% खराब निकल गए। तो देखिए दो तरीका होता है, एक तो ये होता है कि आप 90 का 20% निकालेंगे खराब सेब, फिर टोटल में से माइनस कराएंगे। इससे अच्छा है पहले ही हम माइनस करा लें। पहले कैसे भाई, 20% खराब निकल गए तो कितने प्रतिशत सही निकले, 80%, क्योंकि 20, 80, 100 ही तो होता है। तो अच्छे सेब कितने परसेंट है यहाँ लिख सकते हैं, अच्छे सेब का परसेंटेज जो कितना है भाई, 20 खराब हो गए तो 80% सेब जो है वो सही है। तो हमें सीधे क्या करना है, कुल कितने सेब है, 90 सेब का हम 80% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि सेबों की संख्या जो होगी, सेब की संख्या जो अच्छे सेब हैं इनकी संख्या कितनी आएगी, यह आ जाएगी 90 का मतलब गुणा 80%, 80% का मतलब 80/100। तो ये हमने सीधे कर दिया, 90 का 80%, 90 का मतलब गुणा 80%, 80/100। अब इसको हल कर लीजिए, 2 0, ये 0 से आपसे कट जाएगा, 9 8 72, तो ये 72, यानी कि 90 में से 72 सेब अच्छे निकले। दूसरा तरीका ये था कि आप क्या करते भाई, 90 का निकालते आप 20%, ऐसे 90 × 20/100, तो ये जो 20% आएगा ये क्या हो जाएगा, 9 2 18, ये आपका 18 सेब खराब वाली है, खराब सेब है ना, ये खराब सेब कितने हैं 18 भाई, 18 खराब निकल गए तो बचे कितने, 90 से घटाते हैं, 90 - 18 तो फिर से आ जाता है 72। तो आप इस तरीके से लगाएं चाहे इस तरीके से लगाएं, दोनों तरीका सही होता है। ओके, बहुत सिंपल सा सवाल था, आई होप सबका सही होगा, इस टाइप का आएगा तो आप कर लेंगे। और इसके बाद दूसरा प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए तो सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत ही सिंपल सा सवाल, फॉर्मूले बेस्ड है। वृद्धि कितने सैनिकों की, 60 सैनिकों की वृद्धि हो रही है, लेकिन पूछा है कितने प्रतिशत। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत वृद्धि, अगर हम यहाँ फॉर्मूले की बात करें तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, मैंने बताया था क्या करना होता है, वृद्धि गुणे 100 कर देंगे, वृद्धि गुणे 100 बटे मूल मान, मूल मान का मतलब शुरू में जितने थे। तो वृद्धि कितने की है, 60 सैनिकों की, 60 × 100, मूल मान शुरू में कितने थे 600, तो ये आपका आ जाएगा बटे में 600। ये एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है, इसको आप माइंड में रखिए, इसका बहुत आगे उपयोग होता है। तो चाहे कमी का पूछे तो प्रतिशत कमी, अभी लाभ हानि के चैप्टर में आगे चलेंगे तो यह आपको फिर से करना होगा, वहाँ पे इसके बाद हम आपको लाभ हानि पढ़ाने वाले हैं। तो ये वृद्धि गुणे 100 बटे मूल मान,
तो इसको काट दीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं, 6 से 6 काट सकते हैं, यहाँ बच जाएगा 1, ये हो जाएगा, तो 6 दाम में 60 कितना आ गया, 10% की वृद्धि हुई। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ओरल सवाल है, मौखिक सवाल है, 10%। ओके, अब देखिए अगला सवाल जो आपका है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, चुनाव पे आधारित सवाल है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कुल मतदाता, देखिए इस सवाल में जो है कुल मतदाता दिए गए हैं, कुल मतदाता है 80,000, 80,000 मतदाता है, ठीक है, और कुल कितने वोट पड़े, 80% मत पड़े, ठीक है, डाले गए मतों की संख्या हम यहाँ लिखा लेते हैं, डाले गए मत कितने हैं, 80%, ठीक, तो मतों डाले गए मतों की संख्या निकाल सकते हैं भाई, डाले गए मतों की संख्या ये आप निकाल लीजिए, डाले गए मतों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, भाई 80,000 का कितने परसेंट, 80,000 का 80% भाई यही तो होगा डाले गए मतों की संख्या, चूँकि 80% लोगों ने मत डाला है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80,000 का 80%, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं कोई एक, तो 8 2 64, तो कितने 64,000 मत डाले गए, ठीक, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या कह रहा है कि दो प्रत्याशियों में से एक को डाले गए मतों का 60% प्राप्त हुआ, ठीक है, डाले एक प्रत्याशी को, ठीक है, पूछा गया है एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है, डाले गए मतों का 60% मत मिला, तो हमसे एक यानी पहले वाले का नहीं पूछा कि जिसको 60% मिला उसको कितना मिला, नहीं पूछा है दूसरे को, यदि एक को 60% मत मिला तो दूसरे को कितने मत मिले, तो जाहिर सी बात है अगर एक को 60% मिलेगा तो दूसरे को कितने परसेंट मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 40% ना भाई, कुल 100% ही तो होता है, एक को सवाल ने कह दिया कि एक को 60% मत मिले हैं, तो हम दूसरे का ऑटोमेटिक निकाल लेंगे कितना, दूसरे को मिला है 40%। अब सीधे हम आंसर पे आ जाते हैं, ये तो 40% है लेकिन कितने मत मिले, तो वही दूसरे को प्राप्त मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या 64,000 का 40% आप निकाल देंगे, ठीक है, सिंपल सा है भाई, हमसे यही तो पूछा कि दूसरे को कितने मत मिले, तो एक को मिला था 60%, तो दूसरे को मिलेगा 40, क्योंकि 60 40 होता है 100। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 64,000 का 40% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, तो कर दीजिए बहुत सिंपल सा, 0 0 आप काट सकते हैं, अब 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16 हो गया, और 4 छंग 24 से 25 हो गया आपका ये, ठीक है, और ये 0 आपका हो गया, ये 0 हो गया, 25,600 कितना आ रहा है, 25,600 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने में गलती नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान, 4 चौक 16 हो गया, 6 एक कैरी किया था, एक हासिल था, और 4 छंग 24 से 25, और ये 0 हमने बढ़ा दिया, तो दूसरे को कितने मत मिले, दूसरे को मिले हैं 25,600, यही हमसे पूछा कि दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। कुछ दोस्त क्या करते हैं, कुछ दोस्त ये करते हैं कि पहले प्रत्याशी का 60% निकाल लेते हैं, फिर वहाँ पे वही कर्म करना पड़ेगा, 60% निकालेंगे, फिर 60% जो मान आएगा क्या करेंगे उसको आप 64,000 से घटाएंगे, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं यही शॉर्ट में बताऊँ आपको, तो दूसरा तरीका यही था कि भाई आप एक प्रत्याशी को डाले गए मतों की संख्या यानी कि 64,000 का क्या निकालते हैं आप, 64,000 का निकालते हैं 60%, तो ये जिसको 60% मिला है आप उसका मान निकाल रहे हैं अभी यहाँ पे, हमसे ये पूछा ही नहीं गया था। अब इसको करेंगे तो देखिए टाइम जा रहा है फर्जी में, 4 छंग 24 हो गया ये, और 4 6 छंग 6 चौक 24 6 छंग 36 36 2 38, ये आपका आएगा 38,400। अब ये तो आया, लेकिन अब क्या करते हैं इसको हम घटाते हैं 6400 से, तब जाके हमें ये मान मिलेगा, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधे चूँकि 100 से घटाना आसान है, तो 100 में से हमने 60 घटा दिया तो बचा 40%, तो सीधे हम 40% का मान ज्ञात कर लेते हैं जो हमारा आंसर होता है। आई होप आप कर लेंगे, और अगर ऐसे लगा रहे हैं तो ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 64,000 में से आप घटाएंगे इसको ना, अब इसको घटाएंगे ये ऊपर, तो आपका आंसर ये फिर आएगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा होता है, तो इस टाइप के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जो आपको करने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे के सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आगे सवाल जो है ये है कि एक खंभा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल है, 25% भाग काला है, शेष
है पीला। ठीक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए अगर ऐसे ही यहाँ पे प्रैक्टिकली हम आपको बताएं, ये कोई खंभा है ऐसे, ठीक है, और ये कोई खंभा है ऐसे, और इन्होंने कह दिया कितना भाई 40%, हम मान लेते ये यहाँ तक 40% है ये, और ये इनका है क्या है लाल, ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने कह दिया कि 25%, हम मान लें कि ये 25% है इनका भाई, 25% कितना, ये इनका है काला। अब इसके बाद शेष जो बचा ये वाला, इसको कह रहे हैं ये पीला है, और ये कितना इनको बताना है, और टोटल लंबाई दे रखी है, टोटल लंबाई दे रखी है 16 मीटर, ठीक है। अब परसेंटेज को कैसे इन्वॉल्व करते हैं भाई, अब ये टोटल 100% ही तो माना जाएगा, 100% माना जाएगा, लेकिन 40% लाल, 25% आपका हो गया काला, तो लाल धन काला कितना हो रहा है, कितने परसेंट लाल धन काला कितने परसेंट हो गया, इनको जोड़ लेंगे, 40 धन कितना 25, तो 40 20 60, 5 65, 65% आपका आ गया लाल धन काला। तो पीला कितना होगा भाई, 100 में से 65 घटा देंगे तो पीला का मान पता चल जाएगा, अतः पीला भाग कितना है, पीला भाग क्या करेंगे, टोटल होगा 100%, तो ये 40 20 60 65% लाल काला मिलके हो रहा है, तो बचा कितना, बचा आपका आई थिंक सिंपल सा है, 100 माइनस 65 कर देंगे तो 35 ही तो आएगा यार, कितना आएगा 35%, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है कि पीले भाग की लंबाई, अब यहाँ लिखेंगे पीले भाग की लंबाई कहाँ से याद करेंगे बताइए, अब तो ईजी हो गया भाई, पीले भाग की लंबाई टोटल लंबाई का ही तो निकालेंगे, बराबर 16 मीटर का, 16 मीटर का कितना, 16 मीटर का 35%, यही करना है तो कर लीजिए, 16 × 35/100 ये आपको करना है, ये दशमलव में आ सकता है, हम इसको 4 से काटेंगे, 4 × 16 हो गया, और 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 आपका हो गया, ठीक है। तो 35 × 4 = 20 हो गया, और 4 × 3 = 12, 2 = 14 आ गया, 140/25। अब इसको थोड़ा सा हम एक स्टेप और छोटा कर सकते थे, 5 से काट करके, जैसे 5 से काटते यहीं कर देता ना, ये आपका देखिए 5 × 7 = 35, और ये आपका 5 × 5 = 25, तो अब यहाँ पे काट दीजिए 5 से, कोई बात नहीं होगी भाई आपका, तो उसको काटते हैं 5 × 2 = 10, और इसके बाद 5 × 8 = 40, ये आपका हो गया, और बटे कितना 5। अब इसको हल करेंगे दशमलव में, आंसर जा रहा है, देखिए 5 × 5 = 25, 3 × 28 = 30 हो गया, फिर 5 × 6 = 30, तो इतने मीटर आएगा, 5.6 मीटर। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई, बाकी सवाल बहुत सिंपल सा है भाई, 40% लाल है, 25% काला है, और 35% है क्या पीला, चूंकि टोटल 100% होगा तो हमें कुछ करना नहीं था, चूंकि इन्होंने 16 मीटर लंबा बता दिया है, यानी 16 मीटर का हमें 35% निकालना था, बस इतना सा कैलकुलेशन है, 16 मीटर का 35%, 16 × 35/100, इसी को आपको हल कर लेना है, जो मान आएगा वो मीटर में आएगा, क्योंकि ये आपका यूनिट मीटर में दिया गया, यही आपका आंसर है। तो ये SCERT की बुक का सवाल है, इसको आप मान के चलिए कि ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे के जो दो सवाल हैं उनके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि 45% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी में जो फेल हो रहे हैं, हिंदी में फेल हुए हैं 45%, ठीक, और इसके बाद अंग्रेजी में जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं वो कितने परसेंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 25%, ठीक है, और इन दोनों में यानी बोथ दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं कितने 25, सॉरी ये 35 था, हाँ ये 35% है, और दोनों में फेल हो रहे हैं 25, ये आपका 45 वो 35, और ये 25, ये 25, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है, जो डेटा दिया है वो अनुत्तीर्ण का दिया, ध्यान ये देने वाली बात है, डेटा जो दिया हुआ है वो अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछा है उत्तीर्ण का, जस्ट अपोजिट, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब उत्तीर्ण का दे करके अनुत्तीर्ण पूछे, या फिर अनुत्तीर्ण का देखिए उत्तीर्ण पूछे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ पे उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा, ये होता है सूत्र है, ये ट्रिक है, 100 a + b - c, ये ट्रिक है, इसको आप याद रखिए कैसे करना है। देखिए 100 ये रहेगा a, जो पहले विषय में अनुत्तीर्ण है, b जो दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण है, c जो कॉमन है, जो दोनों में अनुत्तीर्ण, जो कह सकते हैं कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस तरह का सवाल इसी पे हल हो जाता है, आपको ट्रेडिशनल वे में जाके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या कर देंगे, 100 हो गया, माइनस ए का मान कितना दिया यहाँ पे 45, प्लस बी का मान कितना है 35,
माइनस सी का मान कितना 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हल कर लीजिए, तो 100 माइनस ये जोड़ेंगे 45, 35, 5 5 10, 4 3 60, 80, 80 आ गया। 80 माइनस 25 करना होगा आपको, ठीक है। ये 100 माइनस एज इट इज़ बना रहा, अब यहाँ कितना आ जाएगा, 80 में से 25 आपको घटाना है, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 2 हो गया 5, ये हो गया 55, ठीक। तो अब 100 माइनस क्या कर देंगे, सिंपल सा ब्रैकेट बाहर हो गया, 100 माइनस 55 ये कितना हो गया 45%, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 45%। ये तो बहुत सिंपल सा ये ट्रिक है, ये भी आपका इसी से लग जाएगा कि यदि एक विषय में ए परसेंट, दूसरे विषय में बी परसेंट और दोनों विषय में सी परसेंट उत्तीर्ण हो और आपसे अनुत्तीर्ण पूछे, या उत्तीर्ण हो अनुत्तीर्ण पूछे, मतलब कि अपोजिट पूछे, तब ये फॉर्मूला काम आता है। दूसरा सवाल भी इसी पे हल कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में हल लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम ए प्लस बी माइनस सी फॉर्मूला ही लगाने वाले हैं, तो हमने कर दिया 100 माइनस, यहाँ पे ए का मान कितना है 40, बी का मान कितना है 35 और सी का मान कितना दिया है 20, ठीक है। ये हमें हल करना है, चलिए कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो ये 100 रहेगा माइनस 40 30 कितना हो गया 40 35 75, 75 माइनस 20, ठीक है। तो 75 में से 20 आएगा, आप जानते हैं 55 आ जाएगा, तो 100 माइनस वही चीज़ फिर यहाँ से घट जाएगा। अब यहाँ आपका हो गया 5 और ये आपका कितना हो गया 45, ठीक है, ये 45 आ गया। यहाँ पे भाई 5 में से 0 हो गया, 5 में से 0 गया 5, सॉरी ये आपको भेजेगा 55 रहेगा। ओके तो फिर इसका मान भी कितना रहा 45%, इसका मान भी आ रहा है। तो इत्तेफाक से डेटा ऐसा है कि इस दोनों का आंसर सेम आ गया, सिमिलर आ गया। तो कहने का मतलब इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, यही कर लेना है ये 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी कर देते हैं। अब इसी का थोड़ा सा अगर डिफरेंट कर दें तो हम इसी सवाल में आपको समझा देते हैं कैसे करना है। अगर यहाँ पे ये सवाल दे दें, देखिए इसी को हम चेंज करके बता देते क्या करना है। अगर कह दे कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 35% छात्र विज्ञान में एवं 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं अनुत्तीर्ण, बात समझिएगा, यानी कि अनुत्तीर्ण का डेटा देके अनुत्तीर्ण ही पूछ ले तब क्या करेंगे। ये तो ट्रिक तब है जब अपोजिट, जो डेटा दिया गया उसके अपोजिट पूछे, यानी कि जैसे यहाँ पे दिया गया था कि इतने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हुए, यही इसमें भी था, लेकिन जब वही दे करके वही पूछ ले तब क्या करना होता है, यानी कि अगर अनुत्तीर्ण देके अनुत्तीर्ण ही पूछ ले या उत्तीर्ण देके उत्तीर्ण ही पूछ ले तो क्या करना होगा, कुछ नहीं। उसकी ट्रिक ये होती, उसकी ट्रिक सिंपल सी है, ये कर देंगे ए प्लस बी माइनस सी, बस ये बस इतना ही करना है। जब अनुत्तीर्ण दे करके अनुत्तीर्ण पूछ ले, ठीक है, या उत्तीर्ण देकर के उत्तीर्ण पूछ ले, जो डेटा है वही पूछे, तब सिर्फ इतना करना होगा ए प्लस बी माइनस सी, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसका ये यही सवाल पूरा हम कर दें कि यहाँ अनुत्तीर्ण बना दिया, इसको कैसे लगाएंगे, वही कर देंगे 40 धन आपका कितना 35 माइनस कितना करना है 20, तो 40 वही आपका हो गया 75 माइनस 20, तब आपका आंसर कितना आएगा, तब आपका आंसर आएगा 55%, ठीक है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन का मतलब जब आपसे अनुत्तीर्ण का डेटा दे और अनुत्तीर्ण का ही पूछे, तब हमारा आंसर आएगा ए प्लस बी माइनस सी। लेकिन अनुत्तीर्ण का देकर के उत्तीर्ण पूछ ले या उत्तीर्ण का देके अनुत्तीर्ण पूछ ले, तो हम ये लगाते हैं ए प्लस बी माइनस सी, 100 ए प्लस बी माइनस सी। तो इस तरह के सवाल आप बहुत ईजिली कर पाएंगे और इसमें एक क्वेश्चन संभवतः पूछ लिया जाता है। तो इसके आगे के पार्ट में हम आपको ले चलेंगे लाभ हानि की तरफ। प्रतिशत में ये काफ़ी हो गया है और है तो बहुत ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन एसआरडी में इससे ज़्यादा नहीं दिया गया, इसी लेवल के क्वेश्चन सबके एसआरडी में दिए गए हैं और बाकी प्रतिशत परसेंट लाभ हानि में भी इंक्लूडेड है, लाभ हानि में भी प्रतिशत रहेगा, तो वो आगे और प्रैक्टिस आपकी लाभ हानि में हो जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।